नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता आप सभी का चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में ये अल्फ़ाबेट है और आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपको बता दूं, अल्फ़ाबेट आज का जो चैप्टर है वो है अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि वर्णमाला कितने होते हैं? अभी देखिए, अभी मैं प्रश्नों के प्रकार के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, पहले मैं आपको अल्फाबेट के बारे में बताना चाहता हूं कि अल्फाबेट से या अल्फाबेट में हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्फाबेट जो लिखा जाता है, अल्फाबेट ए से लेकर जो जेड तक लिखा जाता है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, बाएं से दाएं। पहला पॉइंट, ओके। अल्फाबेट में ए से जो जेड लिखने का तरीका होता है, ए बी सी डी ई से लेकर के जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और हमारा लिखने का जो तरीका है ये बाएं से ये क्या होता है, दाएं तक ऐसे लिखते हैं, ओके। पहला पॉइंट तैयार हुआ। चलिए, दूसरा जो टर्म है अल्फाबेट को, सेकंड पॉइंट है, अल्फाबेट को ए से लेकर जेड तक टोटल कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट को नंबर में याद रखना, ओके। जैसे मैं कहूं अल्फाबेट को नंबर में याद रखने का मतलब हम हमेशा बाएं से दाएं का ही क्रम लेंगे। अगर मैं कहूं अल्फाबेट में दसवां अक्षर कौन सा होगा, अल्फाबेट में दसवां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको ये पता करना है कि ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ जी एच आई और जे। तो ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो मैं दसवां पूछूंगा, अगर मैं पूछूं कि अल्फाबेट में दसवें नंबर पे क्या आता है, तो हमेशा ये अंडरस्टूड होगा कि मैं बाएं से दाएं ही पूछ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करूंगा कि पूरे अल्फाबेट को आपको नंबर में याद करने के तरीके सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तरीके सीखते हैं अल्फाबेट को नंबर में कैसे याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको एक बड़ा टास्क मिलता है, जैसे मान लीजिए अल्फाबेट को यहां से लेके जेड तक अगर देखा जाए तो टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। मैं इसको क्या करूंगा कि इसको पांच पांच के ग्रुप बनाएंगे। पांच पांच के ग्रुप बनाएंगे, तब पांचवें नंबर पे ई आएगा, दसवें नंबर पे जे आएगा, पंद्रहवें नंबर पे ओ आएगा, बीसवें नंबर पे टी आएगा और पच्चीसवें नंबर पे क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये 5, 10, 15, 20 और ये क्या हो गया, 25। तो टोटल हमारा एक नाम सजेस्ट होता है, ई ज्योति। आप याद रखेंगे ई का कोड कितना, 5, जे का कोड कितना, 10, ओ का कोड कितना, 15, टी का कोड कितना, 20 और वाई का कोड कितना, 25। तो आपको क्या करना है, ई ज्योति के नाम से 5, 10, 15, 20, 25 ये याद रखना होगा। इसके बाद देखिए क्या बच गया, हमें ए बी सी और डी, 1, 2, 3 और 4, चार तक तो याद ही होता है प्रत्येक स्टूडेंट को, ए से लेकर डी तक तो याद ही रहेगा। ई का कोड मैंने कितना बताया, 5। इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ एफ। एफ को अगर ध्यान देंगे तो अपने आप जो है ये 6 बताता है। एफ जो है अपने आप क्या बताता है, 6। अगर इसके डिजाइन को ध्यान से देखेंगे तब कैसे, एफ को ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से बनता हुआ महसूस होगा। तो एफ का कोड कितना हो गया, 6।
इसी प्रकार आपको जी का कोड सिखाऊं तो जी जो है किस प्रकार से दिख रहा है, सात की तरह, तो जी का कोड कितना हो गया, सात हो गया। सेम इसी प्रकार यदि मैं एच का कोड आपसे पूछूं, एच का कोड, तो एच का कोड देखिए, एच अपने आप बता रहा है कि मैं कितने नंबर हूँ, आठ नंबर हूँ। और इसके बाद आई, आई खुद कह रहा है, आई किसकी तरह दिख रहा है, नौ की तरह दिख रहा है, तो आई का कोड कितना हो गया, नौ। और जे का कोड यहाँ से आपको पता चल गया, दस। ठीक इसी प्रकार के का कोड अगर याद करें तो देखिए, के में एक और एक, एक ये है एक ये है, टोटल कितना होता है, ग्यारह। और आगे देखें अगर एम की बात करें, एम की बात करें तो एम किसकी तरह दिख रहा है, तीन की तरह, तो तीन तो होगा नहीं, तो एम में देखिए, एम में तीन की तरह दिख रहा है, तो एम का कोड कितना हो गया, तेरह हो गया। नेक्स्ट एम का भाई क्या होता है, एन, तो एन का कोड कितना हो गया, चौदह हो गया। ठीक है, अब देखिए ओ का कोड आपको पता है, पंद्रह होता है। ठीक, ओ के बाद आपको बता दूं क्यू याद रखिएगा, क्यू देखिए, क्यू जो है ना सत्रह की तरह दिखता है, क्यू में सात है तो सात तो हो नहीं सकता क्योंकि सात तो जी का होता है, तो क्यू का कोड कितना याद करेंगे, सत्रह याद करेंगे। अब देखिए क्यू हो गया, इसके बाद टी को जो है ट्वेंटी ट्वेंटी याद कीजिए, ट्वेंटी ट्वेंटी, टी का कोड कितना है, ट्वेंटी ट्वेंटी। ओके, इसके बाद आगे जो है और भी आपको याद करवाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको टी तक, अब मान लीजिए कोई लड़का है, वो किसी एक्ट्रेस, मान लीजिए रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी का फैन है, रानी मुखर्जी का फैन है, और रानी मुखर्जी का पहला लेटर आर होता है, और जब बॉलीवुड में एंट्री की थी तो वो कितने वर्ष की थी, 18 वर्ष की, मान लीजिए। ठीक है, कोड है, आपको तरीके सिखा रहे हैं, इसका मतलब रानी का कोड कितना हो गया, 18। और याद रखिएगा सुष्मिता सेन, एस का मतलब सुष्मिता सेन, जब बॉलीवुड में एंट्री की थी तो वो कितने साल की थी, 19 वर्ष। तो ये दो कोड याद रखेंगे, आर एस जो 18 और 19 होता है, और टी का मैंने आपको याद करवा दिया कितना होता है, 20। अब एक कोड और है जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जय वीरू के नाम से इसको जानेंगे दोस्तों। यू, यू का कोड कितना होता है, 21, और भी का कोड होता है 22, और एम का विपरीत डब्ल्यू होता है, तो ध्यान दीजिएगा एम का 13 होता है तो डब्ल्यू का कितना होगा, 23 होगा। इसके बाद W का कितना होगा, 23 होगा। ओके, नेक्स्ट आपको पता है W के बाद X होता है, Y होता है, Z, तो Y का पता है 25, इसका भी 26 और इसका 24। हेलो, ठीक है, तो X, Y, Z, 24, 25 और, ठीक है, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको कैसे सिखाया जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि पूरे अल्फाबेट को आप पांच पांच भागों में बांट देंगे। पांच भागों में बांटेंगे तो एक पहला नाम आता है ई ज्योति। ओके, पांच, दस, पंद्रह, बीस और एक, पच्चीस। पांच, दस, पंद्रह, बीस और पच्चीस। इसके बाद मैंने आपको समझाया एफ का कोड क्या होता है, सिक्स। जी का कोड क्या होता है, सेवन। ये सब मैं आपको बना के दिखाया। एच का कोड क्या होता है, एट होता है। आई का कोड क्या होता है, नौ होता है। जे का कोड क्या होता है, यहाँ से पता चल गया, दस होता है। आपको जो मेन मेन कोड होता है उसको आपको जान लेना है। एम का कोड कितना होगा, तेरह होगा, तो डब्ल्यू का कोड कितना होगा, तेईस होगा। ठीक है, इसी प्रकार टी का कोड आपको बताया मैंने, बीस होता है। क्यू का कोड बताया, सत्रह होता है। ओके, अब क्या करेंगे आप कि क्यू के बाद आपको याद रखना है यू और भी को। यू का कोड 21 और भी का कोड कितना होता है, 22। और डब्ल्यू एक्स वाई जेड का तो आपको पता है, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। ओके मित्रों, तो ये रहा अल्फाबेट का जो पार्ट है। अल्फाबेट को मैंने नंबर में आपको याद करने के कुछ छोटे छोटे तरीके सिखाया, ओवरऑल आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह मान करके मैं अब आगे बढ़ रहा हूं कि अल्फाबेट में आपको ए से लेकर जेड तक नंबर में आपको याद हो गया। अब याद हो गया तो अब दिखाएंगे टाइप नेक्स्ट, टाइप टू। ये जो अल्फाबेट होता है दोस्त, ये जो अल्फाबेट होता है, अगर मैं दाएं से बाएं की बात करूं, समझिएगा, राइट टू लेफ्ट, मतलब
दाएं से बाएं बात करो, तो जब भी आपको पोजीशन पूछे, जब भी आपसे पोजीशन या स्थिति पूछे, कैसे? दाएं से बाएं, दाएं से यदि बाएं आपसे पोजीशन पूछे तो आप क्या करेंगे, इतना याद रखिएगा। आपको क्या करना है, जो भी पोजीशन आप याद किए हैं आप उसको 27 में से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ कि किसी अल्फाबेट श्रृंखला में दाएं से दसवां स्थान, तो यहाँ पे हम 10 घटा देंगे, तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट पोजीशन हमें क्या पता चल जाएगा, 27 में से 10 घटाएंगे 17 आ जाएगा, और 17 का कोड क्या होगा, क्यू होगा। तो आपको जो है इतना याद रखना है, अल्फाबेट का विपरीत, आपसे कभी विपरीत भी करके सवाल पूछता है तो जब भी विपरीत निकालना होगा आप याद रखिएगा, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन, इसका योगफल कितना होता है, 27 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि ए है, ए कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो दाहिने से पहले नंबर पे क्या होगा, जेड होगा, और जेड का कोड कितना होता है, 26 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27, और यहां पोजीशन लिख दें कि 10वें नंबर पे, तो यहां पे पोजीशन कितना लिखना पड़ेगा, 17। ओके, तो चलिए एक दो प्रश्नों को जो है हम विपरीत निकाल करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या पूछता है, दाएं से 12वां अक्षर। ओके, दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 27 में से हम 12 क्या कर देंगे, घटा देंगे, 27 में से 12 घटाएंगे 15 आ जाएगा, और 15 का कोड क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, हमें पता है लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दाएं से 12वां मतलब यहाँ 12 पूछ रहा है, तो L की वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पे L बराबर 27 माइनस 12, 27 में से 12 घटाएंगे 15 आ जाएगा, और 15 का कोड क्या होता है, O होता है। इतना कर लेंगे आप। तो चलिए अब जो है अल्फाबेट में कितने प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर पूरे अल्फाबेट को A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z लिखा। ओके? तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ कितना कहा जाएगा, फर्स्ट हाफ कहा जाएगा ए से लेके एम तक, क्योंकि एम का कोड कितना होता है, 13, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया। इसमें जो है द्वितीय अर्धांश की बात करें तो आपको इसको लिखेंगे इंग्लिश में सेकेंड हाफ कहाँ से चलेगा, N से लेके जेड तक। ये जो है आपको याद रखना होगा कि किसी अल्फाबेट श्रृंखला में M जो है प्रथम अर्धांश कहलाता है और ये जो है द्वितीय अर्धांश कहलाता है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे और इसको सेकेंड नंबर देंगे। इतनी बात आई समझ में, चलिए देखिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं अल्फाबेट में जिसको सीखना है। पहला का प्रयोग इसको हम बोलेंगे ऑफ का प्रयोग। अगर किसी प्रश्न में का या के शब्द दिया हुआ है, जैसे ध्यान दीजिएगा, तो के या का मतलब होता है, का मतलब
छोड़कर, क्या होता है? छोड़कर होता है। उदाहरण, किसी अल्फाबेट में, किसी अल्फाबेट श्रृंखला में, किसी अल्फाबेट श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या सिखाना है, हमें यहाँ पर बेसिकली सिखाना है के का, ओके? हमें बेसिकली यहाँ पे किसका प्रयोग सिखाना है? के का प्रयोग सिखाना है। और क्या करेंगे यहाँ पे? किसी अल्फाबेट श्रृंखला में बाएं से, तो बाएं से 15वें अक्षर हमें पता है कि बाएं से जो एल से 15वें अक्षर होगा वो क्या होगा? ओ होगा। इसके बाद यहाँ के लिखा है तो ओ को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, एल से एल 15 का मतलब बाएं से 15वां अक्षर होगा, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ देंगे और पांचवा अक्षर दाएं जाएंगे। तो पांचवा अक्षर मतलब पी एक हो गया, पी क्यू दो हो गया, आर तीन हो गया, एस चार हो गया, और टी कितना हो गया? पांचवा। और पांचवा का मतलब पांचवा अक्षर को बताना है। तो किसी अल्फाबेट श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? तो हमारा उत्तर आएगा क्या? टी होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी अल्फाबेट से संबंधित किसी प्रश्न में से दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ है? से दिया हुआ है, तो यहाँ पर के या का को छोड़ देंगे और यहाँ पर से लिखेंगे। से का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग? से का प्रयोग। और प्रश्न कैसे बनता है तो ये उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूँ। किसी वर्णमाला श्रृंखला में, किसी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 7वें अक्षर के को हटा दीजिए, बाएं 7वें अक्षर से दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको प्रयोग सिखाने जा रहा हूं से का। से का मतलब होता है, तो ध्यान दीजिएगा, से का मतलब होता है लेकर, इंक्लूड करना, ओके? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 7वां, 7 का कोड क्या होता है? L7 का मतलब होता है G, ओके? अब 7वें अक्षर से लिखा है तो G को काउंट करेंगे 1। अब देखिए 1 हो गया, ये 2 3 4 5, ओके? तो जी एच आई जे और यहाँ क्या हो गया? के। तो हमारा उत्तर आएगा क्या? किसी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 7वें अक्षर से दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा के, ओके? के आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कैसे शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक्स कैसे प्रयोग किया जाएगा, अभी मैं केवल अल्फाबेट का केवल इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट को नंबर में कैसे याद रखते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपको एक बार में ना याद हो, एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आपको अल्फाबेट पूरे नंबर में याद हो जाएगा। और यहीं से लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि अल्फाबेट से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और एक एक प्रकार के प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।